पहला क्वेश्चन क्या था? अकॉर्डिंग टू चरक, इन रेफरेंस टू कॉम्प्लिकेशन ऑफ योनि व्यापद, चूज द करेक्ट ऑप्शन। देखो अब यहां से मैंने क्या कहा है पहले कि इसके अलावा जो दूसरे क्वेश्चन किस प्रकार के आ सकते हैं वो हमें यहाँ पे जानना है। ओके चलो, तो गुल्म प्रदरादिश्च अति पीड़नम, वातादेश्च वात आदेश्च अति पीड़नम, चरक के अनुसार योनि व्यापद के उपद्रव के रूप में वर्णित। अब यहाँ पे योनि व्यापद का सही जो उपद्रव है वो क्या है? रजक्षय, रजदृष्टि, कंद या अर्श। इसका सही उपद्रव क्या बताया है आचार्य चरक ने? सही उपद्रव कौन सा है? अर्श है। तो राइट आंसर कौन सा है यहाँ पे? अर्श, गुल्म अर्श प्रदर। तो ये हमें खास ध्यान रखना है कि ये गुल्म अर्श और प्रदर है वो योनि व्यापद के उपद्रव है। ओके तो इसके अलावा आपको उपद्रव जो है वो जितने अध्याय, देखो सारे अध्याय में तो उपद्रव नहीं दिया है, बट जहां जहां उपद्रव है वो आपको एक बार अच्छे से गो थ्रू करना है। चलो मुझे बताइए कि स्वर भेद कौन सी व्याधि का उपद्रव है जहां पे उसको, यस, स्वर भेद जो है वो रक्त पित्त का उपद्रव भी है और रक्त पित्त का सामान्य लक्षण भी है। ओके और शोथ के कितने उपद्रव चरक और सुश्रुत दोनों के अनुसार कितने हैं? शोथ के उपद्रव चरक के अनुसार 7 है, सुश्रुत के अनुसार 9 है। ओके तो ये कुछ उपद्रव, देखो सारे अध्याय में नहीं दिए है बट जहां जहां पे वर्णन है उपद्रव का वो आपको पढ़ना है। प्रमेह के उपद्रव कितने हैं और कहाँ दिए हैं? चलो कितने हैं उसको छोड़ो अभी न्यूमेरिकल को। प्रमेह के उपद्रव का रेफरेंस कहाँ पे है? प्रमेह के उपद्रव, मैं दोष और दृश्य की बात नहीं कर रहा, मैं प्रमेह के उपद्रव की बात कर रहा हूँ। कहाँ पे दिए है प्रमेह के उपद्रव? चरक निदान 6 में दिए है। कौन से उपद्रव है प्रमेह के? तो फिर कहाँ पे उपद्रव बताया है प्रमेह के? सूत्र 70 और निदान 6। सूत्र 70, चलो क्या बताया वहां पे उपद्रव उन्होंने? चरक सूत्र 17 में उन्होंने प्रमेह के उपद्रव क्या बताया है, मतलब एक उपद्रव मुझे बताइए। प्रमेह के उपद्रव उन्होंने वहां पे जो बताया है, वहां पे उन्होंने क्या बताया है? प्रमेह पीड़िका का वहां पे वर्णन है। वो जो उपद्रव बताया है वो देखो, वो चरक के उपद्रव नहीं है, वो है प्रमेह पीड़िका के उपद्रव। जो आप बता रहे हो त्रुटर श्वास मास, वो पीड़िका के उपद्रव है। आपको वातज, पित्तज और कफज, इस तीन प्रकार का उपद्रव जो है वो सुश्रुत निदान स्थान ने बताया है कि वातज में कौन से है, पित्तज में कौन से है, कफज में कौन से है। तो वहां पे उन्होंने मक्षिक उपसर्पण, ये कफज का उपद्रव है। रज ग्रह जो है वो वात का उपद्रव, कफ का उपद्रव है। तो ये जो है वो दोषवाइज उपद्रव भी आपको पढ़ना है अगर जहां पे दिए है, तो जहां जहां उपद्रव है वो आपको एक बार गो थ्रू करना है। ये हमारा यहाँ इस क्वेश्चन से क्लियर होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? देखो लास्ट सेक्शन में जो क्वेश्चंस थे वहां पे पांडु की संप्राप्ति थी, अब यहाँ पे ज्वर की संप्राप्ति है। ठीक है, जब पेपर सेट करते हैं तब वहां पे उनको, चलो किसी का एरिया ऑफ इंटरेस्ट संप्राप्ति है तो वही से एक दो क्वेश्चन बन जाते हैं। तो यहाँ पे सही सीक्वेंस क्या है? देखो क्या दिया है उन्होंने वहां पे, प्रविश्य आमाशयम उष्णम, अग्निम उपहत्य, पक्ति स्थानाद उष्माणम बहिर्निरश्यम, सह मिश्री भोयाद्य आहारम परिणाम धातु, रस स्वेद श्रोतासी प्रीधाय। तो यहाँ पे सही सीक्वेंस क्या रहेगी, इसकी सही सीक्वेंस क्या रहेगी, ए बी सी या डी? इसकी सही सीक्वेंस क्या है? देखो
सबसे पहले उन्होंने वहां पे क्या दिया है, तो प्रविश्यम आमाशयम उष्मणा, वो क्या करेगी, तो आमाशय में वो प्रवेश करेगी, ठीक है। फिर आमाशय में प्रवेश करने के बाद क्या करेगी, तो ये जो उसकी परिणाम धातु है आद्य आहार धातु रस से मिलेगी, तो सहमिश्री भूयाद्य आहारम परिणाम धातु, फिर क्या करेगी वो रसस्वेदस्वतासी पिधाय, उसको वो अवरोध करके क्या करेगी, फिर वो फिर अग्नि उपहत्य, अग्नि उपहत करके पक्ति स्थान से उसको बाहर फेंकेगी। तो ये पूरा हमारा सीक्वेंस है सी ए डी ई बी सी, तो ये पूरा श्लोक है। स यदा प्रकुपितः प्रविश्यम आमाशयम उष्मणा सह मिश्री भूयाद्य आहार परिणाम धातु, ठीक है, रसनाम अन्वय वेत्य रसस्वेद वहानी सोतांसी पिधायम अग्नि उपहत्य, अग्नि को उपहत करके फिर पक्ति स्थान से उष्मा को बाहर निकालेगी। तो ये ज्वर की संप्राप्ति आपको पढ़नी है, तो इस प्रकार से आपको वातरक्त की संप्राप्ति भी आपको पता होनी चाहिए। वातरक्त की संप्राप्ति क्या है, वायु विवृद्धो वृद्धेनम रक्तेनम आवरितः पथि, ठीक है। अगर आपने संप्राप्ति पढ़ी है तो आपने पता होगा कि क्या होता है, रक्त के आवरण, रक्त के मार्ग को वो आवृत करती है, वायु विवृद्धो वृद्धेन रक्तेनम आवरिता पथि, ठीक है। तो ये वातरत की संप्राप्ति एक बार गो थ्रू करनी है। फिर रुद्धेशु रसवर्तमेशु, ये किसकी संप्राप्ति है, रुद्धेशु रसवर्तमेशु किसकी संप्राप्ति है ये, यस ये पूरा तो रक्त वातरत का वही है, कृष्णम संदूषयेत रक्तम तद्ज्ञेयम् वातस्वोणितम्, रुद्धेषु रसवर्तमेषु, ये किसकी संप्राप्ति का की पॉइंट है, रसवः श्रोतस में अवरोध, रुद्धेशु रसवर्तमेशु, वेरी गुड। यहाँ पे एक का आंसर सही आया है, कोमल जी का, कोमल वैद्य का आंसर सही आया है। यहाँ पे राजयक्ष्मा की संप्राप्ति है ये, रुद्धेशु रसवर्तमेशु, सॉरी रुद्धेशु रसवर्तमेशु मतलब रसवा श्रोतस का अवरोध, ये जो है वो किसकी संप्राप्ति है, ये राजयक्ष्मा की संप्राप्ति है, ठीक है। श्लेष्म की वजह से पित्त मार्ग का अवरोध है, ये किसकी संप्राप्ति है, श्लेष्म की वजह से पित्त मार्ग का अवरोध है, ये किसकी संप्राप्ति है, स्पेसिफिक बताइए मुझे, नॉट ओनली कामला, ये हमारे साक्षाशित कामला की संप्राप्ति है। चलो तो इस प्रकार से आपको संप्राप्ति देखनी है। यहाँ पे ये जो ज्वर की संप्राप्ति बताई है, वहां पे उन्होंने क्या कहा है कि रसस्वेद वहानी श्रोतांसी पिधाय, तो ये स्पेसिफिक कौन से ज्वर की संप्राप्ति है, ये स्पेसिफिक कौन से प्रकार के ज्वर की संप्राप्ति है, ये वात पित्त कफ, ये कौन से प्रकार की ज्वर की संप्राप्ति है, ये वात ज्वर की संप्राप्ति है। और पित्त ज्वर की संप्राप्ति में यहाँ पे क्या डिफरेंस है, यस वेरी गुड कमल चौधरी, द्रवत्वाद अग्नि उपहत्य, पित्त के कौन से गुण की वजह से, तो द्रव गुण की वजह से उन्होंने बताया है। चलो यस, रक्तपित्त में भी द्रवगुण बढ़ता है और अम्लपित्त में भी द्रवगुण बढ़ता है, ठीक है। चलो तीसरा क्वेश्चन क्या था, ये देखो अब थोड़ा क्वेश्चन ये बड़ा था इसलिए मैंने आज 10 क्वेश्चन ही लिए थे। तो सबसे पहले स्टेटमेंट है, रुक्षस्वेद का प्रयोग आमाशयगतवाद की चिकित्सा में निर्दिष्ट है,
आमाशय कफस्तान में है, इसीलिए आमाशय गतवात में रुक्षस्वेदी का उल्लेख है। तो यहाँ पे क्या आंसर होगा? यस, कफज और वातक ज्वर की संप्रति सेम है। यस, बोथ ए एंड आर इज करेक्ट, और आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ये जो है आमाशय गते वाते कफे पक्वा शयाश्रिते, तो ये क्या है कि दोष जो है उसको ध्यान में रखकर हमें पूर्व स्वेद उस प्रकार से करेंगे। ठीक है, चरक के अनुसार अध्यसन का कारण क्या है? मैंने 100 बार कहा है कि प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कशन करते वक्त कि श्रोत विमान अध्याय बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वहां से नहीं तो श्रोत मूल से क्वेश्चन आएगा, या तो उसकी दृष्टि के कारण से क्वेश्चन आएगा, या तो उसके लक्षण से क्वेश्चन आएगा। तो एक तो हमारे धातु प्रदोष सजीविकार और श्रोत विमान, ये दो फंडामेंटल्स हमारे अच्छे से क्लियर होने चाहिए। तो यहाँ पे सिर्फ अध्यसन है। देखो कई बार क्या होता है कि सिर्फ एक पूरा श्लोक नहीं रखते, हमको पता है कि चिंता नाम अति चिंतनात यह रस का है, बट हर बार इस प्रकार से श्लोक की लास्ट लाइन रखेंगे ऐसा जरूरी नहीं है। तो यहाँ पे ये अध्यसन है वो किसका कारण है? अध्यसन अध्यसन जो है वो कौन से स्रोतस की दृष्टि का कारण बनेगा? अध्यसन किस स्रोतस की दृष्टि का कारण है? यस, यहाँ पे सही आंसर क्या रहेगा? पुरिसज, पुरिस वह श्रोतस है, उसका जो दृष्टि का कारण है वो क्या है? अध्यसन। पूरा श्लोक क्या है? संधारण अत्यसन अजीर्णाद अध्यसनाद वरचोवाहिनी दुष्यंती दुर्बलाग्नि कुशस्य च। तो ये देखो कई बुक्स में सिर्फ इतना पढ़ते हैं दुर्बलाग्नि कुशस्य च, ये किसका है? तो हर बार यहाँ से ऐसा जरूरी नहीं है। तो एटलीस्ट ये कुछ बेसिक पॉइंट्स है वो हमारे लाइन टू लाइन क्लियर होने चाहिए। लाइक हमारे श्रोत विमान है, धातु के विकार जितने बताए हैं वो सारे हैं। चलो तो यहाँ पे जो फर्स्ट है वो संधारण है। संधारण का मतलब यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे संधारण का मतलब क्या हुआ? वेग धारण करना। तो ये सेम वर्ड, चलो संधारण, इसके अलावा और कौन से स्रोतस की दृष्टि का निदान भी है? चलो वेरी गुड, प्राण वह श्रोतस की संप्राप्ति, सॉरी जो दृष्टि है उसका भी कारण जो है वो संधारण है। चलो अब मुझे बताइए कि अति मात्र आहार लेना ये कौन से श्रोतस की दृष्टि का कारण है? अति मात्र आहार लेना, मैं फिर भी बताता हूँ वर्ड यहाँ पे, अति मात्र आहार, अन्न वह तो है ही। अन्न वह में क्या श्लोक है? अन्न वह का श्लोक क्या है? अति मात्रस्य च अकाले अहितस्य च भोजनात्, इसके अलावा रस वह में भी है। गुरु सीतम अति स्निग्धम अति मात्र समस्तदा। तो एक प्लीज ध्यान रखना, ये अति मात्रा जो आहार है वो रस वह में भी है और अन्न वह में भी है। ऐसे सेम मुझे बताओ व्यायाम, व्यायाम जो है वो कहाँ कहाँ पे है एज ए निदान ऑफ दृष्टि ऑफ श्रोतस? अस्थि में भी है, स्वेद में भी है, और इसके अलावा व्यायाम कहाँ पे है? वैसे प्राणवह में भी है, बट वहां पे प्राणवह में क्या है? प्राणवह में व्यायाम मात्र श्रुतिश्च च, ठीक है वो ध्यान रखना, वो भूख लगती है और तब व्यायाम करते हैं, तो वो हमारा है प्राणवह का निदान। ठीक है, और एज ओनली व्यायाम वो हमारा अस्थिवह में भी है और स्वेदवह में भी है। तो ये पॉइंट पता होने चाहिए हमें। दिवा स्वप्न, ये दिवा स्वप्न किसकी निदान होगा? ये दिवा स्वप्न ये अभिसंधि आह छोड़ो, दिवा स्वप्न मुझे बताइए, सिर्फ दिवा स्वप्न मांस में भी है और मेद में भी है। तो दृष्टि के निदान और लक्षण अच्छे से पढ़ना है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? चलो देखो दूसरा क्वेश्चन उसका ही है, श्रोतस के मूल। देखो अब जहां जहां चरक और सुषुप्त का वेरिएशन है खास वो पढ़ना है अच्छे से। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे थे एक हमारा मूत्र वह श्रोतस, उसके मूल क्या है? वस्ति और वंक्षण।
चरक के अनुसार बस्ती और वंशण है, मूत्रावह श्रोतस के मूल और मेद वह श्रोतस के मूल क्या बताया है, मेदो मूल और लोम उपश्च। तो इसका सही आंसर क्या है, क्या होगा इसका सही आंसर इस क्वेश्चन का? यस, यहाँ पे जो आर दिया है वो गलत है। चलो मुझे सिर्फ इतना बताइए कि सपोज यहाँ पे हमें पता है कि मेद वह शुद्ध के मूल क्या है, वृक्क और वपावन अकॉर्डिंग टू चरक, अकॉर्डिंग टू सुश्रुत क्या है, अकॉर्डिंग टू सुश्रुत क्या है? कटी और वृक्क। कटी और वृक्क है। ओके, तो यहाँ पे कटी और वृक्क एज अ, देखो अब यहाँ पे सब कुछ लोग उन्होंने दे दिया है मेदो वह के मूल दे दिया है कट वृक्क और वपावन, तो सही आंसर क्या होगा? तो क्या होगा, चलो सपोज मैंने कहा यहाँ पे कि मेदो वह श्रोतस का मूल भी चलो अवरुक अभावन है, तो सही आंसर क्या होगा? वेरी गुड, दोनों सही है, बट आर जो है जो एक्सेशन दिया है उसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, सो बी सही आंसर बनेगा। ठीक है, तो दोनों अगर ए आर में आ रहे हैं तो उसका रीजनिंग भी अगर है या नहीं वो भी प्रॉपर हमें एक बार एनालाइज करना है। ओके, तो यहाँ पे आंसर है सी। चलो तो सुश्रुत और चरक का वेरिएशन देखो कहाँ कहाँ पे है, एक तो शुक्र में भी है और मूत्रवाह में भी है, दोनों में डिफरेंस क्या है? शुक्रवाह के मूल क्या बताया है चरक सुश्रुत में, और मूत्रवाह के मूल क्या बताया है चरक सुश्रुत में, ये पता होना चाहिए। शुक्रवाह के मूल क्या है, वृषण और सेफ चरक ने बताया है और वृषण मेढ मेढ्र सुश्रुत ने बताया है, सॉरी वृषण और स्तन, भूषण और स्तन, भूषण मेड्र चरक ने बताया है, भूषण स्तन सुश्रुत ने बताया है, और बस्ती वंक्षण मूत्रवाह का चरक ने बताया है और बस्ती मेड्र किसने बताया है, सुश्रुत ने बताया है। तो ये बस्ती वंक्षण मूत्र के लिए है अकॉर्डिंग टू चरक एंड बस्ती मेड्र अकॉर्डिंग टू सुश्रुत। ओके, तो ये हमें शुक्रवाह मूत्रवाह जहां जहां वेरिएशन है वो हमें अच्छे से पढ़ना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? यस, यद अन्येन सदोषत्वात् कर्मणा न प्रसाम्यति, कर्मणो अविशुद्धत्वात् वायु न प्रसाम्यति, तो यहां पे सही आंसर क्या रहेगा? ए इज राइट आंसर हियर, चरक चिकित्सा 28/83, इसका रेफरेंस क्या है, चरक चिकित्सा 28/83 वात व्याधि से रेफरेंस है। देखो वो जो क्वेश्चन रहेगा वो बहुत रेयर जो कुछ रेफरेंस ठीक है वहां से था। लहसुन क्षीर का अधिकार रोगाधिकार क्या है, लहसुन क्षीर का रोगाधिकार क्या है, गुल्म है, लहसुन आदि घृत है तो क्या होगा, यह स्पेसिफिक कफज गुल्म है, ये यहाँ पे गलत उन्होंने दिया है रेफरेंस। लहसुन आदि क्षीर है तो कहाँ से, सॉरी लहसुन आदि घृत है तो किसका रेफरेंस होगा, ये कहाँ का रोगाधिकार बनेगा, ये बनेगा सुश्रुत का, सॉरी उन्माद का रोगाधिकार बनेगा। ठीक है,
बाय हार्ट देखो, ये पूरी अच्छी एक कंपाइल लिस्ट आयुर्वेद समुच्चय के बुक में है, तो वहां से बाय हार्ट कीजिए आप। चलो मर्मग्रह और अर्बुद वातरक्त के उपद्रव स्वरूप हो सकते हैं। देखो उपद्रव से दूसरा क्वेश्चन आया, महावास्तु मत्स्य सकलोपम मंडल कुष्ठ के लक्षण है, कुणप गंधी आमवर्ची ये बद्धक गुदा के लक्षण है, और शिरा स्नायु संदर्शी ये कर्दम विसर्प के लक्षण है। तो यहाँ पे क्या पूछा उन्होंने कि कौन से जो है वो करेक्ट है। तो देखो मर्मग्रह और अर्बुद तो ये हमारे वातरक्त के उपद्रव में है, महावास्तु मत्स्य सकलोपम ये जो है वो मंडल कुष्ठ का लक्षण नहीं है, तो ये किसका लक्षण है? ये हमारा महावास्तु और ये मत्स्य सकलोपम जो है वो किसका लक्षण है? वो एक कुष्ठ का लक्षण है। कुणप गंधी और आमवर्च ये किसके लक्षण है? नहीं, ये हमारे बद्धगुदी के लक्षण नहीं है, ये हमारे छिद्रोदर के लक्षण है, और ये शिरा स्नायु संदर्शी कर्दम विसर्प के लक्षण है। शिरा स्नायु संदर्शी कुणप गंधी यहाँ पे भी है, ठीक है, तो ये हमारे कर्दम विसर्प के लक्षण है, प्रायश्च आमाशय देशे। तो ये यहाँ पे कौन से सही हुए? यहाँ पे सिर्फ ए और डी, ए और डी जो है वो सही है, यहाँ पे रेफरेंस सिर्फ एक का ही दिया है। ठीक, चलो यहाँ पे मैचिंग करना है। देखो ये महापुष्ट क्षुद्र पुष्ट के दो इन्वॉल्वमेंट जो है ना, अकॉर्डिंग टू चरक सुश्रुत एंड वाग्भट, अकॉर्डिंग टू चरक सुश्रुत एंड वाग्भट तीनों हमें अच्छे से पता होने चाहिए। तो चलो अब यहाँ पे तो लक्षण का क्वेश्चन है, वैसे क्या है मत्स्य सकल विपादिका खर स्पर्श चलो किटीम और हस्ती चर्मवत। तो यहाँ पे देखो पहला हमारा है चर्माख्य, तो चर्माख्य किसके लिए है? चर्माख्य किसके लिए है? हस्ती चर्मवत, वेरी गुड। तो यहाँ पे ए में आएगा 3। फिर कौन सा है हमारा मत्स्य सकल, ये किसके लिए है? मत्स्य सकल हमने अभी डिस्कस किया ना, किसका लक्षण है? ये डी, ये हमारा है एक कुष्ठ का। और फिर है किटीब, किटीब में क्या आएगा? किनखर स्पर्श, तो उसमें आएगा 2। और लास्ट है पाणी पाद स्फुटनम, ये किसका लक्षण? विपादिका का है। तो इसका सही आंसर क्या बनेगा? यहाँ पे ये गलती है मेरे ख्याल से, बिकॉज पाणी पाद स्फुटन ये विपादिका का है, तो यहाँ पे देखो ये 4 में हमारा जाएगा सीधा बी वाला। तो ये किस प्रकार के ऑप्शन यहाँ पे मेरे ख्याल से देखो बी क्वेश्चन लगाते हैं। चलो तो ये एक कुष्ठ के लक्षण, ठीक है, सॉरी जितने भी हमारे लक्षण है शुद्र कुष्ठ के वो चरक सुश्रुत दोनों के पढ़ने हैं। चलो मैं कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ सुश्रुत के महाकुष्ठ के और, ठीक है, तो ऊर्ध्व काय में विशेष कौन से प्रकार का कुष्ठ होगा? ऊर्ध्व काय में विशेष प्रकार से कौन सा कुष्ठ होगा? सिद्म। कौन से कुष्ठ जो है असाध्य है अकॉर्डिंग टू सुश्रुत? कौन से कुष्ठ जो है असाध्य है अकॉर्डिंग टू सुश्रुत? दो कुष्ठ है, पुंडरिक कुष्ठ भी है और काकणक कुष्ठ भी है, दोनों असाध्य है। स्रावहीना, स्राव नहीं हो रहा, ये कौन से प्रकार की पीड़िका का लक्षण है स्राव नहीं होना? ये रक्षा का लक्षण है, रक्षा। चलो त्रिफला रसायन के लिए अब सही अनुपान पहचानना है हमें, वहां पे त्रिफला रसायन के लिए तो क्या होगा यहाँ पे सही आंसर? मधुसर्पी, 1/3 थर्ड पाद एंड 45 नंबर श्लोक। क्षौद्र सर्पी सा त्रिफला शीतया च अपि युक्ताम सिद्ध रसायनम।
हूँ।